हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लॉन्च की गई है। स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं और अराउंड 20,000 रुपीज पर ईयर अपने बैंक में ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इस स्कॉलरशिप में आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना, जस्ट आप लोग को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो आप लोग को हर साल 20,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि LIC ने अपनी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप लॉन्च की आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करना, कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री में। आज इस वीडियो में पूरी प्रोसेस में आप लोग को दिखाने वाला हूं कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कितना आप लोगों को फायदा मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। LIC की स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। अनअकैडमी की तरफ से दो नई फ्री अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लॉन्च की जा रही हैं। अगर आप जेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 25 दिसंबर को फ्री जेट कॉम्बैक्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। इस कॉम्बैक्ट को देने के बहुत सारे फायदे हैं आप लोगों के लिए। इस टेस्ट से आप लोग अपनी प्रिपरेशन तो चेक कर ही पाओगे जेट एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल सकता है, स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लक्की पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे अमेजोन वाउचर्स भी जीतने का मौका मिलेगा। जो सेकंड फ्री अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जेट फुल मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनसे आप लोग जेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है तो आप लोग को वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जो अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे वीडियो सॉल्यूशंस आप लोग को देखने को मिलते हैं इन कॉम्बैक्ट्स में, और ये जो मॉक टेस्ट होते हैं आप लोगों के लिए इनमें, तो ये फायदा आप लोग उठा सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा अगर आप कैट 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के, जहां पे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर इन बैचेस में आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, तो ये बैचेस भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कूपन कोड में आप लोग ट्रिकी मैन डाल सकते हो, जिससे कि आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी एक ऑफर भी चल रहा है आप लोगों के लिए, एक्सक्लूसिव ऑफर, 12 या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को फ्री में दिया जाता है। ये ऑफर बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो आप लोग फायदा उठा लीजिएगा इस ऑफर का। अब बात करते हैं, अगर आप लोग LIC की स्कॉलरशिप लेना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। जो LIC की ये नोटिफिकेशन है स्कॉलरशिप की, वो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो कि LIC आप लोग देख सकते हो LICIndia.in पर ये नोटिफिकेशन दी गई है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गोल्डन जुबली फाउंडेशन के नाम से एक लिंक मिलेगा, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, जिसमें सारी डिटेल है स्कॉलरशिप के बारे में, जो एक एक करके मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है स्कॉलरशिप का, तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जा रही है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज कर ले सके, इसलिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को। उनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे शेयर किए जाते हैं। अगर हम बात करें स्कोप, यहां पे अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोग स्कूल में हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं सारी डिटेल आप लोगों को दिखाता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के स्कॉलरशिप हैं। पहली जो स्कॉलरशिप है, जिन बच्चों ने अपनी 12th क्लास पास कर ली है और अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 2020 और 21 ईयर में पास आउट किए 12th क्लास 60% मार्क्स के साथ, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे जो ऑल इनकम सोर्सेज से जो आपकी एनुअल सैलरी होनी चाहिए घर की, आपके पेरेंट्स की, सबकी, गार्डियंस की मिला के, वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको उसमें क्या अलग से एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आपकी 2 लाख से कम सैलरी आपकी फैमिली की, तो आप लोग इस वाली पहली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th पास कर लिए आप लोग, इस टाइम पे मेडिसिन, इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी भी फील्ड में, BA BCOM कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली फर्स्ट ईयर में आप लोग हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए, जिन्होंने 10th क्लास पास आउट की है 2020 और 2021 ईयर में, जो अभी 11th क्लास में है। इसमें भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी वोकेशनल कोई ट्रेनिंग कर रहे हो आप लोग, या फिर 11th क्लास में पढ़ रहे हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जा रही है, बॉयज और गर्ल्स के लिए ऊपर वाली तो है, उसके अलावा गर्ल्स को अलग से यहां पे प्रेफरेंस दी जा रही है।
गर्ल चाइल्ड की स्पेशल स्कॉलरशिप आप लोग देख सकते हो, जिन्होंने 10th या फिर 12th पास आउट की है 60% मार्क्स के साथ 2020-21 ईयर में, उनको यहाँ पे अलग से 10 स्कॉलरशिप अलग से गर्ल्स चाइल्ड के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई हैं, यानी गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है इस स्कॉलरशिप में, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे जो रेगुलर स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स के लिए है, जो अंडर ग्रेजुएट अभी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे वो अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए नहीं है। ड्यूरेशन की बात करें स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एंटायर ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, 20,000 रुपीज पर एनम पर ईयरली आप लोगों को मिलेगी रेगुलर स्कॉलर्स को जो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके अलावा जो स्पेशल गर्ल चाइल्ड है उनको 10,000 रुपीज पर एनम दी जा रही है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी, यानी ये 20,000 रुपये आप लोग को साल में 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, जैसे 8,000-8,000 रुपये करके दे सकते हैं, 7,000-7,000 रुपये करके दे सकते हैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में। ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट में आपको NEFT के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा क्या कहाँ पे बैंक डिटेल आपको ऐड करनी है। उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिशियरी कैंसिल चेक वगैरह ये सारी डिटेल आपको देनी होती है, बिल्कुल ओरिजिनल ये स्कॉलरशिप है, LIC बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से दी जा रही है आप लोगों को। कंडीशंस जो मैं एक और टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता रहा था, अगर आपकी सैलरी फैमिली की सैलरी है ना 2 लाख से ज़्यादा की होती है, मान लो 4 लाख तक होती है, तो आप लोग के लिए अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे लॉस किया आपको, आपने अपने पेरेंट्स को फैमिली मेंबर्स को, तो आप लोग इस वाली के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे फैमिली की इनकम 4 लाख हो या फिर आपकी ओनली मदर काम करती हैं इस टाइम पे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। अगर आपकी 4 लाख से कम है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा है तो भी आप लोग ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के अप्लाई कर सकते हो। जो LIC का सिलेक्शन है वो स्पेशली मेरिट और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए होगा, आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा सारी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आपकी फैमिली में एक ही बच्चा ये स्कॉलरशिप ले सकता है, और आप लोग ये जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा ताकि भला हो किसी का। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस वगैरह, जो अगर आप जॉब कर रहे हैं आपके पेरेंट्स तो वहाँ से मिल जाएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है जो कि आप बनवा सकते हो। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की ऑनलाइन प्रोसेस होगी, ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की तो 31st of December लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है LIC स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन तो आप लोगों को बता दी, आप लोगों को गूगल पे सर्च कर लेना है LIC India.in, ये सर्च कर सकते हो आप लोग, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पे सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट सर्च करते हो LIC India.in, यहां पे सबसे पहले GJF स्कॉलरशिप स्कीम लिखा आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्ट ये फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो, तो ये फॉर्म ओपन होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे इसी फॉर्म को आपको सबमिट करना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो इसी फॉर्म के बेसिस पे होने वाला है। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी सेलेक्ट स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उसके बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन हो क्या, एड्रेस आपका, सिटी आपकी, पिन कोड, ये स्टार लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कंपलसरी फिल करने होंगे। उसके बाद कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ड्यू टू COVID-19 आपकी फैमिली में किसी कोई डेथ वगैरह हुई है या नहीं हुई है, या आपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी यहाँ पे, उसके अलावा यस नो कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी जो एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स की, उसके अलावा यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन क्या है आपका, लेस देन इनकम वगैरह आप लोगों को ऐड करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिटेल, 10th की सारी डिटेल ऐड करनी है, 10th में कितने मार्क्स थे, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था। उसके बाद 11th की डिटेल ऐड करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हो। उसके बाद 12th क्लास की डिटेल आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद अभी आप लोग कौन से अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोग कोई और फैमिली मेम्बर ने तो अप्लाई नहीं किया है, आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आपने किसी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रखा है वो आपको बताना है। उसके बाद बैंक अकाउंट आप लोगों को डिटेल ऐड करनी है, आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट ऐड कर देनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हो यहाँ पे आप लोगों का रिकॉर्ड सबमिट हो जाता है। अब जो कॉन्टैक्ट किया जाएगा, जो आप लोगों ने मेल आईडी दी है उस मेल आईडी के थ्रू आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होता है तो मेल आईडी के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोग स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में गाइज बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।